आई नो बहुत दिन बाद आज मैं करीब 2 महीने होने जाने हैं जो मैंने लास्ट ब्लॉग डाला था और उसके बाद आज मैं आ रहा हूँ आपके सामने, सॉरी फॉर दैट। और ये लॉकडाउन इसकी वजह से बहुत सारे चीज़ मैं नहीं कर पाया जो करना चाहता था लॉकडाउन की वजह से, तो इसलिए मैं इतने दिन से अभी तक नहीं आया था। तो मुझे एक जगह का पता है, तो वो काफ़ी अच्छी जगह है, वहाँ पे बारिश होने के बाद ही वहाँ पे जाने लायक है, क्योंकि कुछ जो वहाँ पे व्यू है वो बारिश के बाद ही देखने को मिलते हैं, ऐसे नहीं नॉर्मली मिलता है। मेरे साथ एक और जाएगा शाहिद, अपना छोटा भाई है, तो उसके साथ जाऊँगा। अभी पहले यहाँ से जाऊँगा, फिर उसके पास जाऊँगा, फिर अपन चलेंगे। तो थोड़ा बहुत अपना सामान रख लेता हूँ, दूसरा हेलमेट है, पहले पावर बैंक रख लेता हूँ, तो रख लिया छोटा मोटा सामान और निकल लूँगा। यार उसको उठाते हैं और फिर निकलते हैं। जगह का नाम नहीं पता मुझे, वहाँ जा कर के पता चलेगा और साहिल ही बताएगा स्पेसिफिक उस जगह का नाम क्या है। बस मुझे ये पता वो शक्ति नगर के अंदर आता है। ये लो हम पहुँच गए थे घर, और चले साहिल You are the bad. I wanna show to the world that you're the bad one. You was being bad. That you stole my love, you stole my time, you stole my heart. You begged me to come up with you, 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 you. I don't know, I'm fine without you, 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 you. You begged me to come up with you, 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 you. I don't know, I'm fine without you, 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 you. अभी शुरू कैमरे में उतना खास कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा, बट हम लोग दोनों फील कर रहे हैं। ये यहाँ का चर्च है, देवरा का चर्च और इक्का का चर्च, इसका भी बोल लो, बट दोनों का ये चर्च। डेस्टिनेशन ये बहुत ही नज़दीक है, ये आराम बाग भाई साहब, इधर है अपना शमशान घाट। तो हम लोग शमशान नहीं जा रहे हैं ऑब्वियसली, हम लोग जाएंगे अपना अपने जगह। अरे आराम बाग भूल ही गया, ये कब्रिस्तान है और ये है दिक्का का वो जगह इधर जिधर पॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इधर देख रहे हो बहुत पेड़ हुए जंगल है, इधर इधर ऑब्वियसली पॉल्यूशन नहीं है, इधर हैवी हैवी गाड़ियाँ नहीं चलती हैं। आपको पहले भी बताया यहाँ बहुत पॉल्यूशन होता है, यहाँ बहुत सारे कोल माइन है, कभी मौका मिला तो आपको वहाँ भी ले करके था। You, 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 you,
है भाई इधर बहुत ही बालू वालू है, गड्डी थोड़ी सी स्लिप करती है। अरे इधर से जाना मुझे टकराएगा तो नहीं। जगह बहुत ही स्लिपरी है बहुत ज़्यादा, अब इसके नीचे थोड़े जाना है। सो हम लोग फाइनली यहाँ पहुँच चुके हैं, ये है कोनाल नाला। सो चलो चलते हैं, देखिए मस्त व्यू एंजॉय कीजिए। हाँ यहाँ पे लोग यहाँ इस जगह को सुसाइड पॉइंट भी बुलाते हैं, तो चलिए देखते हैं कैसा जगह है अपना। ये भाई साहब स्लिपरी नहीं है, वो सैंड स्टोन टाइप वाला पत्थर है यहाँ पे, ये जो अपने रॉक्स हैं तो ये स्लिपरी नहीं। ओहो नाइस, यहाँ से पानी आ रहा है, ये एक्चुअली यहाँ पे बारिश का ही पानी आता है, इस वजह से जब बारिश हुआ तभी यहाँ आने लायक है, तो वो भी बहुत अच्छा दिखता है, ये देख सकते हैं आप लोग। और इधर ये नदी है, पता नहीं कोई सा भी नदी है बट हाँ वो तो जंप करना ही है ना, सावधानी से आना है भाई, मतलब बहुत ही केयरफुल रहना है। फ्राइडे को कहीं और चलें, देख रहे हो ना गड्ढे आप लोग, तो सुनते ही जानते ही पड़े भी अपन। ये देखो हाँ हिंदी में इसको बोलते हैं छुई मुई, बट यहाँ जब भी बारिश होगी ना, मतलब बारिश हुआ अच्छा खासा, तभी आप यहाँ पे आ सकते हो, तभी ये आपको ऐसा ये सब देखने मिलेगा। अच्छा ये अब बहुत ही मतलब आओ यहाँ इंजॉय कर सकते हो एकदम, मतलब आओ एकदम रिलैक्स हो जाओ। अब हम लोग जा रहे हैं वापस, बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया, काफ़ी अमेजिंग प्लेस है ये, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत अच्छा लगता है करके ना, बहुत शांति मिलेगी आपको को, और ना व्यू यहाँ का आप देख लो, मतलब यहाँ का व्यू मतलब बहुत ही बहुत ज़बरदस्त है, मतलब आप आओगे तो फैन हो जाओगे भाई, यहाँ पे आओ एकदम मस्त मज़ा आ जाएगा, मतलब स्पेशली ये इसी मौसम के लिए है, आप इस मौसम में आओ मतलब फुल टू फुल फुल ऑन मज़ा, पैसा वसूल बोलते हैं ना, एकदम पैसा वसूल है, आप आओ एकदम रिलैक्स बैठो एकदम चिल करो। आप अगर कुछ पिकनिक टाइप का भी यहाँ प्लान करके मस्त उधर एक जगह है खाली सा एकदम एंजॉय करो। सो अब हम लोग चलते हैं वापस, निकलते हैं ऊपर साइड फिर निकलेंगे घर। सो अब निकलते हैं यहाँ से वापस अपने अपने घर।